हेलो दोस्तों, मैं क्लास 5 का परसेंटेज चैप्टर यानी यूनिट 12 का वर्कशीट 4 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों इसका वैल्यू निकालना है ना। चलिए शुरू करते हैं। ए नंबर में है दोस्तों 50% ऑफ 10। तो 50% दोस्तों परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 होगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, इंटू 10। तो 10 से ऊपर नीचे कटता है, 1 0 से 1 0 कट गया और इस 0 से इस 0 कट गया, तो आंसर हम लोग का आ गया क्या, 5। दिक्कत दोस्तों, ऊपर नीचे आप कट कर सकते हैं, कुछ नहीं तो बटन में 1 दे दीजिए, है ना। तो नीचे में 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऊपर में अगर 1 होगा तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद बी नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, आप नीचे नीचे लिखिएगा। 60% ऑफ 700 है, तो 60% हटाएंगे तो डिवाइड में 100 होगा, इंटू 700। दोस्तों 00 से 00 कट गया, तो 6 6 इंटू 7 42, और 1 0 था, 1 0 बैठा दिए। दोस्तों एक चीज़ और सोच रहे होंगे, इससे इसको भी कटा सकते हैं, तब भी वही आंसर आएगा। 1 0 से यहाँ कटेगा, 1 0 यहाँ बच जाएगा, तब भी ये 0 बचेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से कहीं कटाइए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, आंसर सेम आएगा। सी नंबर में है 24% ऑफ 75। तो 24/100% हटाएंगे तो, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय 75। दोस्तों 75 से इसको कटा लेते हैं, 25 25 3 जा 25 4 जा, 4 कई बार में कटेगा, E4 से 4 6 जा, उसके बाद 6 3 जा 18, क्योंकि ऊपर में 6 बचा था, ऊपर में 3 बचा था, नीचे में तो सब कट गया, तो हम लोग का आंसर आ गया 18। तो मन मारा हो दोस्तों, अगला बता रहा हूँ। डी नंबर है 6 पूर्णांक 1/4% ऑफ 800। सबसे पहले इसको पूर्णांक तोड़ना है दोस्तों, इसको इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं, है ना। 6 4 जा 24 + 1 25, और बटन में था 4। दोस्तों परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 से है डिवाइड होगा, तो यही हम लोग 100 × 4 करेंगे, 400 हो गया, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 800। 00 से 00 कट गया, 4 2 बार में 4 2 जा 8, और 25 2 जा 50, तो 50 हम लोग का आंसर हो गया। उसके बाद है ई नंबर में 16 पूर्णांक 2/3% ऑफ 1200। दोस्तों 16 × 3 + इतना करेंगे तो 50/3, और दोस्तों परसेंट हटाएंगे तो बटन में 100 होगा, यहीं हम लोग 3 × 100 300 हो गया, × 1200। तो 00 से 00 कट गया, 3 से इसको कटाएंगे, 3 4 जा, उसके बाद है 5 4 जा 20, और 1 0 यहाँ पहले से बचा हुआ था, तो 200 हम लोग आ गया, है ना। दोस्तों इसमें देखिए 5 4 जा ही 20 आ गया था, और ये 0 बचा हुआ था, ऐसा ठीक है। ई के बाद एफ नंबर में 33 पूर्णांक 1/3% ऑफ कितना का, 300। तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, 33 3 जा 99 + 1 100, और बाय 3 है, परसेंट हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 100 300, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 300। तो 300 से 300 कट गया, इसका मतलब इसका 100 आंसर आ गया, तो हमें मारा होगा दोस्तों। चलिए अगला बता रहा हूँ। जी नंबर में है 75% ऑफ 300 है दोस्तों। तो 75/100% हटाएंगे तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 300। दोस्तों 00 से 00 कट गया, इसका 3 बचा, नीचे में 1 कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरा कुछ रहता तो हो सकता था। तो 75 को 5 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 7 3 जा 21, और 1 कैरी 1 था तो 22, तो 225 ये आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों एच नंबर है 3 पूर्णांक 3/4% ऑफ 80। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 4 3 जा 12 + 3 15/4, और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 होगा, तो 4 × 100 400, और × 80, तो 0 से 0 कट गया। दोस्तों यहाँ देखिए 80 के 80 कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार में, 8 5 जा 40,
अब यहाँ 15/5 ई 5 से इसको कटाएंगे तो 5 3 15, तो आंसर हम लोग का आ गया 3। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला बता रहा हूँ। टू नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग 3% ऑफ 600 रुपी। तो दोस्तों परसेंट हटाएंगे तो बटन में 100 होगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 600, तो दोस्तों 00 से 00 करेंगे, 6 3 18, और कितना हम लोग का हो गया रुपी 18 आंसर हो गया। नेक्स्ट बता रहे हैं दोस्तों, ये ए बताया था, बी नंबर है यहाँ, 1% ऑफ 100 केजी। तो 1% परसेंट हटाएंगे तो हो जाएगा 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 100 केजी हो जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 1 केजी। नेक्स्ट है सी नंबर, 20% ऑफ 5 किलोमीटर। दोस्तों किलोमीटर पूरा लिखा हुआ, मैं KM लिख दिया किलोमीटर, 20% हटाएंगे तो बटन में होगा 100 × 5। तो 20 दोस्तों 0 से 0 करते हैं, 5 2 जा, तो 2 5 जा 10, 5 से 5 भी कट गया, इसका मतलब सब तो कट ही गया, इसका मतलब 1 बचा। ध्यान देना दोस्तों, जब डिवाइड में सब कुछ कट जाता है तो 1 होता है, लेकिन प्लस माइनस में कट जाता है तो 0 होता है, तो 1 और किलोमीटर का तो किलोमीटर। दिक्कत डी नंबर में है, 90% ऑफ 500 मार्क्स, एम लिख देता हूँ, तो 90% हटाएंगे तो डिवाइड में 100 × 500, तो 00 से 00 कट गया दोस्तों, 9 5 जा 45, और 10 था, 10 हो गया, मार्क्स लिख देता हूँ, तो समझ में आ गया दोस्तों 450। मतलब अगर 500 में 90% मार्क लाएंगे तो आपको 450 मार्क्स आएगा। नेक्स्ट है डी के बाद ई नंबर, 150% ऑफ 20 लीटर। दोस्तों 150/100% हटाएंगे तो इंटू 20, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया दोस्तों, खाली 15 × 2 तो 30 लीटर हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर आ गया 30 लीटर। नेक्स्ट है ई के बाद एफ नंबर, 8% ऑफ 200 ग्राम। तो 8/100% हटाएंगे तो, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 200 ग्राम हो जाएगा, तो 00 से 00 कट गया, 8 2 जा 16, 16 ग्राम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बता रहा हूँ, जी नंबर में है दोस्तों, 12/1/2% ऑफ 1 किलोग्राम मतलब केजी। दोस्तों इसका पहले पूर्णांक तो रहेगा, टूटना पड़ेगा, इसको इसको मल्टीप्लाई 12 2 जा 24 + 1 25/2। दोस्तों परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 होगा, तो यहाँ 2 × 100 200 × 1 केजी है ना। तो दोस्तों 25 से एक कट जाएगा है ना, तो 25 से एक कट जाएगा दोस्तों, और दोस्तों ये केजी में है, अगर हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो और भी चीज़ कर सकते हैं, कर देता हूँ ग्राम में, नहीं तो इसको पॉइंट में आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 25/200 × ये केजी में है ना दोस्तों, इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं 1 kg = 1000 ग्राम हो गया, 1 ग्राम में चेंज हो गया, तो 1010 10 और कट कर लेते हैं, और 2 से यहाँ 5 बार में 2 5 10, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ग्राम आएगा है ना, ग्राम में हम लोग आंसर देना है। अगला बता रहे हैं दोस्तों, उसके बाद है एच नंबर, तो 3/4% ऑफ कितना 8800 रुपी का। दोस्तों 3/4 क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 करेंगे, तो 4 × 100 400 हो जाएगा, इंटू 8800, 00 से 00 कट गया, 4 से इसको कटाएंगे दोस्तों, 4 2 जा 8 है ना, ये कट गया पूरा, अब 3 2 जा 6 है ना, कितना हो गया दोस्तों 66,
क्योंकि रुपया था तो रुपया का साइन लगा देंगे, ये होगा आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, फाइंड विच इज मोर देन टू, मतलब इसमें और इसमें कौन ज़्यादा है। तो इधर भी कैलकुलेशन करेंगे, 50% ऑफ 200, और इधर एक कैलकुलेशन करना है, यहाँ कौन ज़्यादा है तो पता चल जाएगा, 20% ऑफ 100। देखिए दोस्तों इधर भी है और मतलब या यहाँ लगा दिए हैं और इधर एक टू है, कैलकुलेशन कर लेते हैं किसका ज़्यादा वैल्यू आता है। तो 50% हटाएंगे तो बटन में 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 200, दोस्तों ये 00 से 00 52 जा, तो इसका आंसर हम लोग का 30 आया। इधर चेक कर लेते हैं, 20% हटाएंगे तो बटन में 100 होगा, इंटू 100 है दोस्तों ये कट जाएगा, इसका भी दोस्तों इसका 20 आ गया, तो इधर 30 आ गया है ना, तो इसका वैल्यू ज़्यादा है किसका, तो यहाँ दोस्तों ये लिखना पड़ेगा, इसका वैल्यू ज़्यादा आया किसका, तो यहाँ हम लोग लिख लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे पता चल रहा है यहाँ देखिए 30 रुपया आया और इसका 20 ही रुपया आया, तो यहाँ बोला विच इज मोर, दोनों में से कौन ज़्यादा है, तो 50% ऑफ 200 ये क्या हो गया, मोर है, हो गया दोस्तों। ये नंबर बनाए, बी नंबर भी बता रहा हूँ, ये कितना है 34% ऑफ 250, और दूसरा क्या बताना है 80% ऑफ 150। तो दोस्तों 34/100 इंटू 250, क्योंकि यहाँ परसेंट हटाए तो 10 से ई कट गया, दोस्तों यहाँ 10 है तो 10 फाइव से कटाएंगे, 5 2 जा, इस 2 से इसको कटाएंगे तो 2 1 जा 2, इसका दोस्तों 2 1 जा 2, इसका कैरी यहाँ छोटा करके ले लेते हैं, 2 7 जा 14, 17 5 जा 85, ये आंसर हो गया। इधर वाला का कर देते हैं दोस्तों 18/100 इंटू 150, तो 10 से 10 कट गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा, 2 से 9 बार में कटेगा, 9 3 जा 27। तो दोस्तों देखिए इसमें 85 आया है, इधर 27 आया था, ये बड़ा आया है, तो ये बड़ा आया दोस्तों, तो 34% ऑफ 250 इज यहाँ लिख देंगे मोर। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।